Hello, hello students. Today we are going to discuss the classification of the commerce. The commerce can be classified into two broad categories, and the commerce is classified into two broad categories that is, trade and aids to trade. The help to trade. The what is trade? The first of all, let's discuss what is trade. The trade is an integral part of commerce, it refers to buying and selling of the goods and services. ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स ब्रिंग टूगेदर द मैनुफैक्चर एंड द कंज्यूमर सो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड हम सिंपली क्या कहते हैं कैसे डिफाइन करते हैं अगर हमको डिफाइन करना होम ट्रेड तो हम कैसे डिफाइन कर देंगे रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड ट्रेड करता क्या है जो सोर्स है सोर्स कौन है मैनुफैक्चर ये मैनुफैक्चर क्या होते हैं सोर्स होते हैं ये गुड एंड सर्विसेज को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड फॉर द देयर सेटिसफैक्शन तो ट्रेड क्या करता है इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है जिससे क्या होता है ये दोनों आपस में अटैच हो सकते हैं अपनी जो चीज़ें हैं जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने क्या मैनुफैक्चर गुड्स बनाया है वो पहुंचा सकता है टू द कंज्यूमर ट्रेडर एक्ट एज जो ट्रेडर होता है जो ट्रेड करता है वो क्या करता है एक्ट एज अ लिंक और साइफन बिटवीन द मैनुफैक्चर एंड कंज्यूमर एंड एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर द मैनुफैक्चर विल हैव टू सर्च फॉर द कंज्यूमर अगर ट्रेडर नहीं होगा तो क्या होगा मैनुफैक्चर परेशान होगा वो क्या करेगा वो खुद जा कर कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा बट ट्रेडर के होने से क्या होता है एक लिंक होता है वो आसानी से क्या करता है साइफन करवाता है और जो भी गुड एंड सर्विसेज होती हैं उनको ईजिली क्या करता है वो खुद सर्च करके उसे ट्रांसफ़र करता है तो ये जो टोटल ट्रेड है वो डिवाइड है कितने सेक्शंस में टू सेक्शंस में डिवाइड है क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में वो दो कैटेगरीज क्या है बेटा द एक्सटर्नल ट्रेड एंड द इंटरनल ट्रेड दो किसके क्या है कैटेगरीज हैं ट्रेड की इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड क्या होता है बेटा इंटरनल ट्रेड आर द ट्रेड रिफर टू इंटरनल ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री कहते हैं कि कंट्री के अंदर जो भी होम कंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया इंडिया के अंदर विद इन इंडिया जितने भी ट्रेडर हैं अगर वो क्या कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो वो क्या है इंटरनल ट्रेड है उसे हमें इंटरनल ट्रेड कहते हैं इंटरनल ट्रेड किस करेंसी में होता है जो उसकी होम करेंसी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है वो किस करेंसी में हो रहा है रुपीज़ में हो रहा है इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड कैन ऑलसो भी क्लासीफाइड इंटू टू और फिर फर्दर इंटरनल ट्रेड को भी हमने क्या कर दिया है क्लासीफाई कर दिया पहले कहाँ क्लासीफिकेशन पहले कॉमर्स का क्या है ट्रेड एंड इट्स टू ट्रेड फिर ट्रेड डिवाइडेड इंटू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्दर द इंटरनल ट्रेड इज इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज द टू कैटेगरीज ऑफ द इंटरनल ट्रेड आर द होल सेल एंड द रिटेल इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज़ इन द लार्ज क्वांटिटी तो होल सेल ट्रेड क्या है बेटा होल सेल ट्रेड वो ट्रेड है जिसके अंदर बल्क अमाउंट में चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं और जो इसमें क्या होता है जो मैनुफैक्चरर जो होल सेलर होता है जो होल सेलर होता है वो किसे की खरीदता है सीधे मैनुफैक्चर से खरीदता है फिर वो ये होल सेलर क्या करता है इस सामान को रिटेलर को बेचता है इन ए स्मॉलर क्वान्टिटी तो होल सेलर क्या करेगा यहाँ पर तीन बंदे आ रहे हैं एक कौन आ रहा है मैनुफैक्चरर आ रहा है दूसरा कौन है होल है तीसरा कौन है रिटेलर है तो मैनुफैक्चर क्या करता है बेटा कि वो बल्क क्वान्टिटी में सॉरी होल क्या करता है बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदता है फिर उसे क्या करता है स्मॉलर क्वांटिटी में किसको रिटेलर को बेच देता है और इसके बीच में वो क्या कराते हैं अपने प्रॉफिट अर्न करते हैं कुछ मार्जिन रखते हैं जिससे वो क्या करते हैं प्रॉफिट अर्न करते हैं आफ्टर दैट वी हैव रिटेल ट्रेड रिटेल ट्रेड क्या है बेटा तो रिटेल ट्रेड क्या है इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज इन द स्मॉल क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी में ख़रीदने बेचने वाली एक्टिविटीज़ को करिए तो हम क्या कहते हैं रिटेल ट्रेड कहते हैं रिटेल फॉर एग्जांपल हम गए एक टूथपेस्ट ले चले आए हम गए एक सिंगल पीस ऑफ सोप ले चले आए सिंगल पीस ऑफ के जी ऑफ सर्फ ले चले आते हैं ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिटेल ट्रेड के जहाँ पर रिटेलर क्या करता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट और द पीस ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है सिंगल पीस ऑफ प्रोडक्ट और जैसे भी डिमांड होती है कंज्यूमर की वो छोटे स्मॉलर यूनिट्स में बहुत ही स्मॉलर यूनिट्स में और एकदम क्या है कस्टमाइज यूनिट्स में क्या करता है उन्हें निकाल कर बेचता है कंज्यूमर को अपनी एक मार्जिन पे अपनी एक प्रॉफिट मार्जिन पे उसमें हम क्या कहते हैं रिटेल ट्रेड कहते हैं बेटा सो नाउ एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड इज रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री जब हम क्या करते हैं एक देश से खरीदते हैं और दूसरे एक देश से खरीदते हैं या दूसरे देश को बेचते हैं ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये ट्रेड एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं इंटर एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सटर्नल ट्रेड को हम क्या कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड भी कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं इसके बहुत सारे नाम हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़ दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से क्या हो गया हमने ईरान से तेल ले लिया या फिर हमने क्या कर दिया अपनी कुछ होम मेड चीज़ें क्या है जेम्स और ज्वेलरीज क्या कर दी किसी और दूसरे नेशन को बेच दी तो ये सारे क्या हैं उसके एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं तो ये फर्दर जो एक्सटर्नल ट्रेड है आपका डिवाइड है किसमें तीन कैटेगरीज़ में वो तीन मेजर कैटेगरीज़ क्या हैं बेटा वो तीन मेजर कैटेगरीज़ हैं आपकी एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट एंड इम्पोर्ट अब ये क्या होता है तो एक्सपोर्ट क्या है बेटा जब हम क्या करें अपनी गुड्स को क्या करें दूसरे नेशन को बेच दें वेन वी सोल वेन वी सेल द गुड्स टू द अनदर नेशन दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं और वाट इज द इम्पोर्ट वेन वी बाय द गुड फ्रॉम द अनदर नेशन अनदर कंट्री दैट इज कॉल्ड द इम्पोर्ट when we buy the goods from the one country and sell it to the another country that is called the interport उसे हम बेटा क्या कहते हैं interport कहते हैं एक country से खरीदना after some processing और उसमें कुछ utility add करके दूसरी country को बेचने को हम क्या कहते हैं interport कहते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा classification देख लिया commerce commerce total commerce divided into द ट्रेड एंड एट्स ट्रेड ट्रेड में क्या था बेटा ट्रेड के दो क्लासिफिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल में होलसेल एंड रिटेल एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इंटरपोर्ट इन अर्लियर क्लास वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर हमने क्या देखा था बेटा पूरा उसका क्लासिफिकेशन देखा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ये दूसरा लेक्चर है अगर आपको पहला लेक्चर देखना है तो अपने आई बटन पर क्लिक करिए बेटा now the second classification of commerce is to trade or help to trade or auxiliaries to trade activities which help in the smooth flow of the trade are known as aid to trade jo activity jo और एक्टिविटीज़ हमें हेल्पफुल होती हैं कि इसमें हमारे ट्रेड को और ज़्यादा स्मूथ बनाने में इजी बनाने में वो सारी एक्टिविटीज़ को हम टू तो ट्रेड कहते हैं दीज एक्टिविटीज़ मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स मोर इजी आसान बना देती है चीज़ों को खरीदना और बेचना दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज द सर्विसिज़ एंड टूगेदर कंस्टिट्यूट द सर्विसज सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर ऑफ द कॉमर्स ये वो चीज़ें वो वो सेक्टर है जो क्या है सर्विस प्रोवाइड करता है कॉमर्स का जो अदर जो ट्रेड फैसिलिटी है जो हमारा ट्रेड सेक्शन है उसको क्या करता है आसान कर देता है ईजी कर देता है उसे स्मूथ बना देता है तो हेल्प और बहुत सारे जो हिंड्रेंसेस होते हैं बहुत सारे जो दिक्कत ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है रिमूव कर देता है ये एथ टू ट्रेड और ऑग्जिलरीज टू ट्रेड देखते हैं पहला क्या है इसके अंदर इस एथ टू ट्रेड में द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा द ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट एड पहली हेल्प क्या है कॉन्ट्रेट को ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है वाट अवर द गुड्स आर प्रोड्यूस बाय द मैनुफैक्चर आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम एट द सेम प्लेस द कंज्यूमर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड तो वहाँ तक अपने गुड्स को पहुँचाने के लिए कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ अ व्हीकल्स व्हीकल्स और डिफरेंट क्या है मोड ऑफ लॉजिस्टिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर तक आसानी से पहुँच जाए फॉर एग्ज़ाम्पल असाम में दार्जिलिंग में क्या होती है टी तैयार होती है उस टी को हमें क्या करना है पूरे वर्ल्ड वाइड उसके क्या है कंज्यूमर से वहाँ तक पहुँचाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उसी तरह से बेटा क्या है कि जो चीज़ें हमने प्रोड्यूस कर ली कम्युनिकेशन अब क्या होगा आसान आसान कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही यार ट्रेड इजी हो जाएगा हम क्या करें आसानी से अपने रिटेलर से कम्युनिकेट कर लें अपने ट्रेडर से कम्युनिकेट कर लें और जो भी हमारा क्या है फिनंसर है उससे कम्युनिकेट कर लें कम्युनिकेशन आसान हो कम्युनिकेशन का मोड क्या हो सकता है भाई इंटरनेट टेलीफोन मोबाइल ये क्या हो सकते हैं मोड हो गए ये जितने ज़्यादा डेवलप्ड होंगे ट्रेड क्या होगा उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा ईजी हो जाएगा बेटा ईजी हो जाएगा आसान हो जाएगा और देखें बैंकिंग एंड फिनंस द सेकेंड एड द देंकेंड हेल्प टू द ट्रेड इज़ द सेकेंड हेल्प टू द ट्रेड इज़ बैंकिंग बैंकिंग एंड फिनांस ये बैंकिंग एंड फिनंस क्या करता है हाँ भाई जब बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी उधार पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा ये बैंक देगा ये बैंक फैसिलिटेट करेगा ताकि जो है भाई जो भी एक्सचेंज होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं उसका क्या है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है मनी है उस मनी को क्या करना है आसानी से हम क्या कर लें ट्रांसफ़र कर लें एक जगह से दूसरी जगह को दे दें साइफन कर लें तो वो फैसिलिटी बैंक क्या करता है फैसिलिटेट करता है ताकि ट्रेड क्या करें स्मूथ हो सके तो क्रेडिट भी देता है जो हमारा ट्रांसफ़र है उसको भी आसान बनाता है जो फ़्लू है उसको मनी फ्लू है उसको भी आसान बनाता है इससे क्या होता है ट्रेड के अंदर आसानी हो जाती है और इजीली पेमेंट हो जाती है अपने क्रेडिटर्स को या कस्टमर को या कस्टमर किसको करना चाहता है अपने क्रेडिटर्स को या फिर मैनुफैक्चर को ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बहुत ही ईजी हो जाती हैं यहाँ पर इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या है बेटा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है मैनुफेक्चर उस पर रिस्क होता है उस पर रिस्क होता है कि हो सकता है वो बाढ़ की वजह से ख़राब हो जाए वो रेन की वजह से ख़राब हो जाए हैवी रेन की वजह से ख़राब हो जाए या किसी अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाए या फिर ये थैप्ट हो जाए या एक्सीडेंटल ट्रांज़िट ट्रांजिट में सफ़र में जब हम उसे ला रहे थे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उस वक्त ख़राब हो जाए तो ये सारे लॉस के क्या होते हैं अनसर्टेटीज़ रहती हैं इनको अवॉइड करने के लिए एक सर्विस है जिसका नाम क्या है जो एज ट्रेड है जो हेल्थ टू ट्रेड है उसका नाम क्या है इंश्योरेंस है ये जो इंश्योरेंस है ये ब्रांच ऑफ कॉमर्स है ये क्या करती है वो सारे रिस्क को क्या कर लेती है बियर करती है किसके मैनुफेक्चरर को ले लेती है ऑन द बेसिस किस पे लेती है कुछ जो प्रीमियम एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम का क्या करना पड़ता है आपको पेमेंट करनी पड़ती है प्रीमियम पे पे करके आप क्या कर सकते हैं अपने रिस्क रिस्क को शिफ्ट कर सकते हैं किस पे इंश्योरेंस कंपनी पे तो इंश्योर्ड क्या करता है इसके में मैनुफैक्चर क्या होता है इंश्योर्ड होता है वो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा तो इंश्योर्ड बन जाएगा और जब वो इंश्योर्ड बन जाएगा तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसके सारे रिस्क को खरीद लेगी उसको अपने सारे रिस्क को अपने ऊपर ले लेगी ऑन ऑन बिहाफ ऑफ सम प्रीमियम कुछ कंपनसेशन जिसे हम प्रीमियम के कहते हैं उस बेस पे क्या करेगी वो सारे रिस्क को क्या लेगी अपने ऊपर बेयर कर लेती है सो बेटा वेयर हाउसिंग इसके अंदर क्या है दिस इज दिस इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ कॉमर्स एक ब्रांच कॉमर्स है ब्रांच ऑफ कॉमर्स है और इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में एक टाइम गैप होता है तो जो भी वीट है राइस है जो भी प्रोड्यूस्ड है वो क्या होता है थ्रू आउट द ईयर क्या होता है एक सीजन में होता है उसकी प्रोडक्शन होती है वो थ्रू आउट द ईयर क्या हुआ कंज्यूम किया जाता है तो उस टाइम गैप के लिए आपको उस समान को कहीं स्टोर करना होता है जो वो फैसिलिटी होती है जो स्टोरेज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वेयर हाउसिंग कहते हैं इन सर्विसेज को अगर आपके बहुत ज़्यादा पैरिशेबल गुड है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है तो इस तरह की क्या है हमें जरूरत होती है तो वे एक तरीके से क्या है ये साइफन करता है स्मूथ कर देता है हमारे ट्रेड को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करके क्योंकि देर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन फिर क्या है बेटा हमारे पास जो लास्ट है वे एडवर्टीजमेंट ये एडवर्टीजमेंट क्या है बेटा एडवर्टीज़मेंट क्या होता है कि कंज्यूमर इज़ नॉट अवेयर अबाउट एवरी तो आपने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो सारी चीज़ के बारे में कंज्यूमर नहीं जानता तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए जो हमारे कॉमर्स की ब्रांच की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसमें हम कंज्यूमर को क्या करते हैं फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में क्या करते हैं उसे बताते हैं तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है कंज्यूमर और मैनुफेक्चर के बीच में क्या है इंटरफेस है जिससे क्या होता है कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है फिर उसको क्या करता है परचेज करता है और सेल करता है सो आई होप यू पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट द होल क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉमर्स थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप इस लेक्चर का पी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं